हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, बहुत लोग इस बार CUCET नाम पहली बार सुन रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के दौरान। हम आपको डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, CUCET है क्या और अगर ये इस बार लागू होगा तो इसकी तैयारी कैसे अभी से शुरू करेंगे, क्या क्या आपको करना होगा, कौन कौन सी किताबें लेनी होगी और उन किताबों में क्या क्या पढ़ना होगा, एक एक करके एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक आप ये समझ पाओगे कि CUCET क्या है और वहां से आपके एडमिशन तक का प्रोसेस ये कंप्लीट मैं बताने वाला हूं। इसमें मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मेरा नाम है अमित सिंह आर्या और मैं BHU से मैंने BA और MA दोनों किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस क्रैक किया है और मेनी मोर गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी मैंने क्रैक किया है और आपके सामने मैं उपस्थित हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बताने के लिए। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। पहली चीज़ है CUCET 2022 से लागू हो जाएगा, इसका ऑफिशियल नोटिस हम बात करेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, इधर उधर न्यूज की बात नहीं करेंगे। फिलहाल की जो गवर्नमेंट है, मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो एजुकेशन के या 2020 के जो मिनिस्टर्स थे मैं कह लूँ, उनके टाइम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। आप लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी उसमें पूरे देश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी बच्चे और जितने कोर्सेज हैं उन सब के लिए एक एग्जाम करने की बात की गई थी जो सिंगल एग्जाम होगा। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, तो ये 2020 में लागू हुआ है यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए, लेकिन उसके पहले रिसर्च स्टूडेंट के लिए जब आप आगे पढ़ोगे, PG कर लोगे यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद रिसर्च का एग्जाम पहले अलग अलग होता था, पूरे यूनिवर्सिटी का अलग अलग। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन सब एग्जाम को एक साथ लेना शुरू कर दिया, ठीक उसी तर्ज पे ये एग्जाम भी लिया जाएगा। इसके क्या फायदे हैं मैं आपको बता देता हूं, फायदे और इनके मतलब लॉसेज और प्रोस और कॉन्स पे एक अलग वीडियो में ला दूंगा, लाया भी हूं, आपको लिंक दे दूंगा, देख लेना। लेकिन इसके फायदे क्या है कि आपको एक पेमेंट करना है, एक बार एग्जाम देना है, बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। CUCET में यही सबसे बड़ा फायदा है, आप एक बार काउंसलिंग कराओ, आपको जो मन लायक आपको कॉलेज चाहिए, जो आपको घर से पास पड़े या जो कैंपस आप चाहते हो, उतनी मेहनत करो, वो रैंक आपको आएगी और वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, जस्ट लाइक IIT एंड मेडिकल के कॉलेजेस जैसे मिलते हैं। बट मेडिकल के कॉलेजेस और IIT के कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है तो आपके लिए उसमें ऑप्शन कम हो जाता है। यहाँ क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूँ CUCET का सबसे अच्छा फायदा आपको समझ में आने के लिए। आपको मान लो BHU चाहिए, आपको मिल गया, हो सकता है सब सारे बच्चों ने BHU का फॉर्म भर दिया, सबने निकाल भी लिया, आपको हो सकता है इससे अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज मिल जाए। कौन कौन से टॉप के कॉलेजेज हैं आर्ट्स के, लॉ के, उस पर वीडियो आ चुकी है, जरूर देखिएगा और उन कॉलेजेस को टारगेट करिए आप। वो कॉलेजेस में वाकई में दम होता है और जो पावरफुल लोग हैं वो इन्हीं पावरफुल प्लेसेस से आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक ओवरव्यू था कि CUCET है क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप लोग समझ रहे हो, कॉमन एंट्रेंस क्या होगा, सभी का। आप अगर मान लो आर्ट्स में एडमिशन लेने वाले हो, पूरे भारत में 20 लाख बच्चे हैं जो आर्ट्स में एडमिशन लेने वाले हैं, अब वो 20 लाख बच्चे अलग अलग जगह फॉर्म भरते थे, अब क्या करेंगे, एक NTA की वेबसाइट पे फॉर्म आएगी, उसका वेबसाइट वो देंगे और कुछ ही दिनों में फॉर्म आने वाला है। आपने यहां देखा होगा मैंने एग्जाम डेट की बात की थी तो ये जून और जुलाई है, लेकिन जून और जुलाई में एग्जाम होगा, आपका फॉर्म अभी ही आ जाएगा, कुछ दिनों में, कुछ दिनों में, दो दिन में आ जाए, क्योंकि टाइम तो हो चुका है फॉर्म आने का, और दो चार दिनों में फॉर्म आ जाए, वन वीक के पहले आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कब से फॉर्म भरना है, ये डेट आ जाएगा उसमें, आपको तब तक पैसे की व्यवस्था कर लेनी होगी साइबर वाले के पास, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि खुद से आप कैसे फॉर्म भर सकते हो और अपने से आपको फॉर्म भरना है, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन उसको आपको फिल करनी है, राइट इंफॉर्मेशन फिल करना है
और एग्जाम की तैयारी आज अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही शुरू करना है, क्योंकि अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि हमारा एम क्या है, हमारा एम है एलएलबी में एडमिशन लेना, हमारा एम है बीए आर्ट्स में, बीएससी एग्रीकल्चर में, बीए सोशल साइंस में, अगर आपको ये एम नहीं पता है तो आज बैठो शांति से 10 मिनट 15 मिनट और डिसाइड करो कि हमारा एम क्या है। हमें अगले साल, मतलब अगले सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी इंडिया की टॉप मोस्ट कैंपस में जाना है। आपने रिसेंट की हमारी वीडियो देखी होगी बीएचयू कैंपस के बारे में, जो हम बना रहे थे, स्मॉल भी है लार्ज भी है और बहुत अच्छा कैंपस एनवायरनमेंट है, सब कुछ आपको पता है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम डेट हो जाएगा हमारा जून जुलाई, एग्जाम फॉर्म कब आएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा, तो अब टाइम नहीं है। मान के चलो कि आपको दिस इज द राइट टाइम, आपसे बात कर रहा हूं, आप अपने बारे में सोच के और हमें कमेंट करके बताओ कि क्या अभी आप कितने तैयार हो अपने एकेडमिक एग्जाम के लिए, या फिर आप कितना संतुष्ट हो कि मैं निकाल पाऊंगा। इसलिए आपको सोचने का राइट टाइम यही है, फॉर्म कब आएगा मैंने दे दिया। अब जब फॉर्म भर दोगे आप, या आज से आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें अब तैयारी शुरू करनी है, तो क्या क्या करना होगा। बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर क्या करें, अब तो सोच लिया है तैयारी अब करनी है, जैसे भी हो आप जैसे बताओगे वैसे स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला बताता हूं आपको, अभी तक सब लोग ये करते आए हैं इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। कोई भी दुनिया का एग्जाम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक करने से पहले देखते हैं कि उस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता रहा है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने साल के क्वेश्चन हम लोग देखते थे। ये यहां भी करना है, पुराने साल के क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और 10 से 15 क्वेश्चन, मेरा अभी तक का ऑब्जर्वेशन है कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है आ जाता है। और मैं आपको बता दूं, एमए के एंट्रेंस में मैंने 4 एग्जाम दिए थे, चारों में टॉप किया था, और वन रैंक ऐसे ही इन्हीं पैटर्न को देख करके समझ के और हासिल किया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम आपको 5 साल का देखना है। अब पिछले 2 साल का क्या हुआ है कि 21 और 20 की मैं बात कर रहा हूं, 20 के क्वेश्चन मैंने अपने, इस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपके कोर्सेज का प्लेलिस्ट होगा अलग अलग, उस प्लेलिस्ट में आपको 2020 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, 21 के भी मिल जाएंगे किसी किसी सब्जेक्ट के। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है 2020 और 21 के, ये ऑफिशियली अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, ना बीएचयू के, ना अदर इंस्टीट्यूट या अदर वेबसाइट पे, जो एनटीए ने कंडक्ट कराया था पिछली बार बीएचयू के लिए। ये एनटीए एग्जाम पिछली बार बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए अलग से करवाई थी, इस बार नहीं कराने वाली है। तो ये दिमाग से निकाल ही दो कि सीयूसीईटी के अलावे भी हमारे पास ऑप्शन है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तुम्हारे लिए पढ़ने का ज्यादा टाइम मिलेगा। ये होता है था पहले कि हाँ अभी एग्जाम में नहीं हुआ तो उस एग्जाम को पढ़ के दे देते हैं, लेकिन ये बोगस हो जाता था, सारी चीजें सारी परेशानी बढ़ जाती थी, क्योंकि जब इस एग्जाम में नहीं होता था तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था। लेकिन एक रेस होगा उसमें अपने घोड़े को इतना तगड़ा बनाओ कि वो रेस जीत ही जाए। इट मीन्स आपकी मैं बात कर रहा हूं कि अपने आप की तैयारी आप बहुत अच्छे से रखो। प्रीवियस ईयर आपको एक माइलस्टोन साबित होगा आपके लिए, क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको मिल जाएगा, क्या आपके वीक पॉइंट हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको रिवीजन की जरूरत है, और जो भी वीक पॉइंट है उस पे हमें काम करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो हमने लॉ के लिए, लॉ का एग्जाम्पल मैं देता हूं, लॉ में देखा हमने कि लीगल मैगजीन मुझे एकदम ही नहीं पता है, लीगल मैगजीन हमें एकदम नहीं पता है, मैं जीरो हूं, लेकिन पॉलिटी मेरी बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी के अगर क्वेश्चन आए और मैं रिवीजन करता रहूं तो मेरा वो निकल जाएगा, मैथ्स में अगर रिवाइज करता रहूं प्रैक्टिस करता रहूं तो मेरे मैथ्स में दिक्कत नहीं आएंगी। रीजनिंग में यही सेम चीज हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा वीक पोर्शन है लीगल मैगजीन, हमारा फोकस अब उस दीवार में एक जगह ऐसा बनाइए अपने पास एम जिसपे लिखा हो, कोशिश करिए कि एक जगह नोटेड हो आपके सामने वो दिखता रहे कि हाँ एल एल बी बी ए आर्ट्स बी एच यू कैंपस,
उससे क्या होगा ना कि आपको बार बार दिमाग में हिंट करेगा पढ़ने के समय कि अरे हाँ पढ़ना है इसके लिए। वहां हमने अपने वीक पॉइंट को लिख दिया कि भाई मुझे लीगल मैगजीन 10 दिनों में खत्म कर देना है। अपने टारगेट को, अपना आपका जो भी एम है उसको टारगेट दीजिए। समय जितना बढ़ा देंगे आप टारगेट को, आपका लक्ष्य जो है उतना खिंच खिंच जाएगा हमेशा। ये हमारे आपके साथ सबके साथ होता है। आपको टाइम उसको कम दे देना है। आपको कर देना है कि लीगल मैगजीन में 5 दिन पढ़ूंगा, उसके बाद ये लीगल मैगजीन को मैं हमेशा रिवाइज करता रहूंगा। ठीक है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें गाइड और बुक्स की सर लिस्ट बता दीजिए। मैंने BHU के जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे आर्ट्स, सोशल साइंस, जो भी मैंने पहले भी बताया ना, उन सब का अलग अलग बुक लिस्ट भी बना दिया है वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में एक एक करके सब मिल जाएगा। जैसे LLB, BA LLB, ब्लैट की मैं बात कर रहा हूँ 5 साल, फिर BA BSc एग्री, BA आर्ट सोशल साइंस, सबका एक एक करके वीडियो आपको मिल जाएगा। आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिवाइज करना है, वीक पॉइंट को आपको क्या करना है, वीक जो आपका पोर्शन होगा उसको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा रिवाइज करना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। अब हाउ टू प्रिपेयर में आपने देख लिया कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा काम करेगा, कुछ क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं, बाकी चीजें वहां से आ जाती हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में एक जो है पहला पेपर 1 है, ठीक है, मैं P1 लिख देता हूं, और एक पेपर 2 है। पेपर 2 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है, यानी मान लो आपको मन है साइंस में BSc में एडमिशन लेने का, तो आपका BSc ग्रुप का जो पेपर होगा वो इस पेपर 2 में होगा। इसको क्लियरली समझो।